इस घटना ने मेरे पूरे कॉन्सेप्ट को हिला दिया, मेरी पूरी लाइफ को हिला दिया। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बच्चों को ब्लड डोनेट कर पाऊँ। बारी बारी से हर 15-20 दिन में एक ना एक बच्चा गायब हो जाता था। और खास बात ये थी इस पूरे मामले में कि एक निश्चित लोकेशन से ही ये सारे बच्चे गायब हो रहे थे। एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, एक ब्लैक होल क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। दिस इज द ब्लैक होल, ये ब्लैक होल है जहाँ के बच्चे गायब हो जाते हैं। इन 4 मंथ्स हम लोगों ने, इवन दो जितने प्रोस्टिट्यूट जहाँ जहाँ होता प्रोस्टिट्यूशन होता है, हम लोग एज ए एजेंट वहाँ गए। उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। किचन में बनाया था? हाँ जी। किसी भी देश का मीडिया हो, इस तरह के केस को सेंसेशनलाइज होना ही है। एक तो इतने सारे बच्चे, उसमें भी जिस तरह से ये सब काम हुआ, पुलिस वालों का इतना सारा इन्वॉल्वमेंट, तो लोगों को हर रोज एक नई चीज मिल रही थी। एवरीथिंग हैज हैपेंड इन योर हाउस, हाउ कम यू डोंट नो? दैट इज द सिंपल मोस्ट क्वेश्चन पीपल आस्क। आई हैव नॉट डन इट, आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड, लाइक प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई डिडंट वांट टू पुट यू गाइस थ्रू दिस। इट वाज, दैट्स ऑल ही केप्ट सेइंग। Yaar, if this is what justice is, fine, but this is injustice for us as family. This is injustice.